हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओपन हिडन फोटो एंड वीडियोस, यानी कि इस फोन में हाइड किया गया फोटो एंड वीडियो को कैसे देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो तीन तरीके से हिडन एल्बम एक्सेस करना सीखेंगे। प्राइवेट फोटो देखने के लिए सबसे पहले गैलरी में जाना है। गैलरी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ थ्री डॉटेड लाइन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए। गैलरी सेटिंग्स के अंदर व्यू हिडन एल्बम का एक ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप अनसिक्योर तरीके से जो एल्बम हाइड करके रखे हैं उसे देख सकते हैं। अगर गैलरी में प्राइवेट फोटो शो करना चाहते हैं तो यहाँ से अनहाइड कर दीजिए, फिर हिडन एल्बम गैलरी में दिख जाएगा। दोस्तों, अगर आपने गैलरी एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट एल्बम्स में फ़ोटो हाइड करके रखे हैं तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे? यहाँ एल्बम्स में चले जाइए, इसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करके छोड़ दीजिए, फिर अपना सिक्योर पैटर्न ड्रॉ करते ही हाइड किया गया फोटो वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी फोटो अनहाइड करने के लिए उसे सिलेक्ट करना है, इसके बाद रिमूव फ्रॉम प्राइवेट फोल्डर पर क्लिक करिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर इस फोटो को अनहाइड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इनमें से कोई भी एल्बम चूज करके उस फोटो को अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट फोल्डर हाइड करके रखे हैं तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे? यहाँ पे हाइड किया गया फोल्डर को एक्सेस करने के लिए फाइल मैनेजर ओपन करिए, इसके बाद इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करके छोड़ देना है, उसके बाद सिक्योर पैटर्न ड्रॉ करके प्राइवेट फोल्डर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी फोल्डर या फोटो अनहाइड करने के लिए उसे सिलेक्ट करिए, इसके बाद रिमूव पे टैप करना है, फिर फाइल मैनेजर के होम पेज पर फोल्डर चूज करके रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप हिडन फोटो को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।